टाटा बिरला अंबानी अडानी गोदरेज बजाज जितने भी लोगों ने खुद को वक्त के साथ बदला आज भी खड़े मैदान में लड़ने को तैयार। ऐसा क्या कारण है कि भैया जब आप एक इंडस्ट्री के लीडर हो एक इंडस्ट्री में सफल हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत क्या है? जब रिलायंस का पेट्रोकेमिकल चल रहा है तो क्यों रिटेल में क्यों टेलीकॉम में जा रहा है? क्यों अडानी जी 10 इंडस्ट्री में है? क्यों टाटा जी 10 इंडस्ट्री में है? और ऐसे क्या फैक्टर है कि जब कुछ लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं जैसे अंबानी जैसे अडानी जैसे टाटा वो सुपर सक्सेसफुल होते हैं, ऐसी क्या खास बात है इनमें? और जब कुछ लोग यही डाइवर्सिफिकेशन करते हैं वो बुरी तरह फेल हो जाते हैं जैसे वीडियोकॉन, रुइया ग्रुप, एसआर ग्रुप, आपके अनिल अंबानी जी, आखिर क्या गलतियां करते हैं ये लोग डाइवर्सिफिकेशन में? तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे इंडिया के सभी मेजर बिजनेस हाउस के बारे में, टाटा अंबानी अडानी बिरला गोदरेज जिंदल, कि इन्होंने पिछले 10-20 सालों में खुद में क्या क्या बदलाव किया है और आने वाले 10 सालों में क्या क्या प्लान लेके बैठे हैं। तो आपको इंडिया के फैमिली बिजनेस की पूरी हिस्ट्री और प्रेजेंट इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को स्किप करने का तो चांस ही नहीं बनता, बल्कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड सर्किल में भेजना ताकि इस बिजनेस के बारे में उनकी पहचान बढ़े। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में दो ऐसे किस्से सुनाऊंगा जिस किस्से के चक्कर में एक छोटा सा डाइवर्सिफिकेशन और पूरे ग्रुप की किस्मत बदल गई। तो दो ग्रुप कौन से हैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और इस वीडियो में हो सकता है आपको नए डाइवर्सिफिकेशन का कोई आइडिया मिल जाए, कोई गलती आप जो कर रहे हो करने से बच जाओ या एक नए आइडिया को काम में ले लो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जनता जनार्दन की जय बोल के वीडियो की कर रहा हूं शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे देश के परम सम्माननीय और सबसे बड़े ग्रुप टाटा ग्रुप से। इनके टाटा ग्रुप के तो डीएनए में ही डाइवर्सिफिकेशन है भाई साहब। इन्होंने शुरुआत की थी ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग करते करते घुस गए स्टील में, स्टील के साथ उनका पावर में भी आएंगे, पावर के साथ होटल भी खोलेंगे, उसके बाद आईटी सर्विस का भी काम किया और लगभग हर सेक्टर में घुसते ही चले गए और सब में सफलता पाई। अब किस किस सेक्टर में घुस रहे हैं उस पे बात करते हैं। टाटा ग्रुप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में। इन्होंने एक फैक्ट्री डाली है एरोस्ट्रक्चर बनाने की और बोइंग के साथ टाई अप किया है और इनका जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो बना रहे हैं। ये फैक्ट्री इन्होंने डाली है हैदराबाद में, काम चालू हो चुका है। और ऐसा नहीं बोइंग के साथ काम कर रहे हैं तो एयरबस को छोड़ देंगे, एयरबस के साथ भी इन्होंने जीवी किया है कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे और वो फैक्ट्री डलेगी वडोदरा में। एक और डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने किया डिफेंस के क्षेत्र में, वहां पे लॉकहेड मार्टिन के साथ काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में चल रहे हैं। अभी आ गए हैं बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, टाटा सन्स के अंदर एक नई कंपनी डाली है और ये यूके में गीगा फैक्ट्री बना रहे हैं जो कि बैटरी मैन्युफैक्चर करेगी। एक नया वर्टिकल हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन, टाटा स्टील ने आईआईटी मद्रास के एक स्टार्टअप के साथ टाई अप किया है कि हाइपर लूप पे भी काम करेंगे जी। उसके अलावा सेमीकंडक्टर के सेक्टर में एक कंपनी एक्वायर की है, प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग में एक कंपनी चालू की है और टाटा अपना सुपर ऐप भी बना रहा है। अब आप बोलेंगे राहुल जी इतना सारा काम करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? टाटा ग्रुप पे इस समय 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, लेकिन उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाटा सन्स ने कहा कि भैया हमारे पुराने जो बिजनेस हमने पैदा किए थे TCS, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाइटन, ये कह रहे हैं पापा आप नए बिजनेस खोलो, खर्चे का ध्यान हम रख लेंगे। और इसी कॉन्फिडेंस पे जो इनके चेयरमैन है एन चंद्रशेखर ने कहा है कि हम अगले 10 साल में 90 बिलियन 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इन सभी सेक्टर्स में। अब बात करते हैं हमारे फेवरेट और सेकंड बड़े ग्रुप अंबानी ग्रुप की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। पहले इन्होंने शुरुआत की विमल कपड़ा बेच के, उसके बाद ये पॉलिस्टर में चले गए, फिर पेट्रोकेमिकल का प्लांट किया और अब इतनी बड़ी जामनगर में रिफाइनरी लगा रखी है। उसके बाद ये सेकंड वर्टिकल में कूदे रिलायंस रिटेल में, उसके बाद ये कूदे तीसरे वर्टिकल रिलायंस टेलीकॉम में। जब ये कूदे थे तो 10 कंपनियां हुआ करती थी, अब ले देखे 4 कंपनियां, एक खुद है, एक एयरटेल जैसे तैसे जिंदा है, एक वोडाफोन इंडिया अंतिम सांस गिन रहा है और एक सरकारी BSNL है। अब इन 3 बड़े वर्टिकल पेट्रोकेमिकल रिटेल और टेलीकॉम के बाद भी मन नहीं भरा है, चौथे वर्टिकल में एंट्री कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी। 75,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं और जामनगर में 4 गीगा फैक्ट्री लगा रहे हैं मोटा भाई। तो ये सब करने के लिए मोटा भाई इतना पैसा कहां से ले रहे हैं? मार्च 2020 में मोटा भाई ने टोटल 2,40,000 करोड़ रुपए बाजार से उठाए थे और रिलायंस इंडस्ट्रीज को डेट फ्री कर दिया। ये पैसा इन्होंने गूगल से, फेसबुक से और पी फंड से उठाया था। अब ये इनके बड़े बड़े वर्टिकल है, अभी इतने बड़े आदमी है कि जो छोटी मोटी चीजें हैं जैसे खुद की NBFC लेके आ रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, खुद के रिटेल बिजनेस में कूद गए इंडिपेंडेंस नाम से ग्रोसरी बेचेंगे, जियो मार्ट इन्होंने चालू कर दिया, कैंपा कोला भाई साहब बेच ही रहे हैं, डेटा सेंटर खुद का डाल रहे हैं। अब ये अदर्स में आती है क्योंकि अंबानी है सब, कोई और बिजनेस होता तो मैं कहता बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इनके लिए तो ये मिसलेनियस में जा रहा है। अब बात करते हैं बिरला ग्रुप की। पहले टाटा बिरला का नाम लिया जाता था, अभी अंबानी अडानी ने बिरला जी को थोड़ा साइड कर दिया है, लेकिन अभी भी छोटी बात नहीं है। हम इनको मानते हैं कि भैया B2B बिजनेस करते हैं, हिंडालको जैसे NBC जैसी इनकी बड़ी कंपनियां जो B2B धंधा करती है, लेकिन एक बात बताएं, सबसे बड़ा इंडिया का जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर है यही है अल्ट्राटेक के नाम से।
फिर उन्होंने खुद को डाइवर्सिफाई किया टेलीकॉम में, आइडिया यही तो लाए थे भाई साहब। उसके अलावा फैशन रिटेल में जो आप कपड़े देख रहे हो, चाहे पीटर इंग्लैंड देख रहे हो, वैन हुसैन, लुई फिलिप, यही तो दे रहे हैं भाई साहब। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस में आदित्य बिरला कैपिटल नाम से ऑलरेडी चीज मौजूद है। अब ग्रासिम B2B प्लेटफॉर्म बना रहा है बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए, और ये भी D2C का डिजिटल प्लेटफॉर्म चालू कर रहे हैं अपेरल के लिए, और ज्वेलरी, प्रीमियम ज्वेलरी के रिटेल में भी कूद रहे हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने पेंट बनाना भी चालू किया कि हम पेंट इंडस्ट्री में भी कूदेंगे, क्योंकि वॉल पुट्टी तो ऑलरेडी बनाते हैं, उसका एक्सटेंशन है वहीं से पेंट बन जाएगा, और जो इनके अल्ट्राटेक के नेटवर्क है वहां से बेच देंगे, तो जमा जमा बिजनेस पहले दिन तैयार है। तो जिस बिरला का आपने नाम नहीं सुना, उन्होंने इतना डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, तो सोचो ये क्या क्या चल रहा है बाजार में। अब बात करते हैं भैया भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल व्यक्ति की, जिसके बारे में भैया या तो एकदम पॉजिटिव न्यूज आती है, एकदम नेगेटिव न्यूज आती है, मिस्टर अडानी। इनका डाइवर्सिफिकेशन के बारे में तो आप जानते हैं कि हर तीसरे दिन किसी न किसी कंपनी को खरीद लेते हैं। चालू इन्होंने पोर्ट से किया था कि भैया पोर्ट का काम है, लेकिन पोर्ट करते करते रोड भी कब्जे में आ गई और एयरपोर्ट भी कब्जे में आ गया। फिर इन्होंने कहा यार बैठे बैठे NDTV खरीद लेते हैं, तो ये मीडिया में आ गए। फिर इन्होंने ACC सीमेंट खरीद लिया, तो ये सीमेंट इंडस्ट्री में आ गए। उसके अलावा भी पेट्रोकेमिकल में और घुस रहे हैं, रिलायंस मोटा भाई को सीधी चुनौती है, और डेटा सेंटर मोटा भाई डाल रहे हैं इधर, ये भी डाल रहे हैं। उसके अलावा स्टील, डिफेंस, एयरोस्पेस, तीनों में भी इनके प्रोजेक्ट पेंडिंग है, तो इनके एक्सपेंशन की तो अलग वीडियो बनती है। एक और फैमिली ग्रुप है गोदरेज ग्रुप, इस समय चौथी पीढ़ी बिजनेस कर रही है उनका, लेकिन पुराने बिजनेस जो उनका लॉकिंग वाला बिजनेस था, डिफेंस वाला बिजनेस, उनको तो संभाल ही रखा है। इन्होंने कैपिटल बिजनेस में एंट्री कर दी है और ये फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और पिछले ही कुछ समय इन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टी के नाम से रियल स्टेट की दुनिया में भी कदम रख दिया है। और गोदरेज प्रॉपर्टी में वो जो लैंड आ जाएगी ना, जो 1,00,000 करोड़ की है, तो तहलका मच जाएगा। और इस पे अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक में एडिटर साहब अभी डाल देंगे। महिंद्रा ग्रुप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया, इनके भी अलग अलग सेक्टर्स में, इस पे वीडियो अलग से बनाएंगे। लेकिन इनका जो मेन डाइवर्सिफिकेशन है, 1986 में ये ऑटो बनाते बनाते IT सेक्टर में चले गए और टेक महिंद्रा नाम से कंपनी डाली थी, जो आज 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हर साल कमाती है। और 1991 में महिंद्रा फाइनेंस में भी आ गए थे, और उस कंपनी का भी आज सालाना प्रॉफिट 2,000 करोड़ है। एक और ग्रुप जिंदल ग्रुप, जो कि अपने स्टील के लिए जाना जाता है, स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है, अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में भी कूद रहे हैं और पेंट और सीमेंट का बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। अब अपन आते हैं उस बात पे, जिस बात के लिए आपको लास्ट में रोक रखा था, कि दो किस्से, दो अब तक के जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन जिसने ऐसी वैल्यू क्रिएट की कि दुनिया देखती रह गई। 2008 की बात है, बजाज ग्रुप था। बजाज ग्रुप ऑटो में डील करते हैं, सबको पता है भैया गाड़ियां बनाते हैं, ऑटो है बजाज ऑटो। लेकिन फिर इन्होंने उस समय अपनी कंपनी को डीमर्ज किया और एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड उतारी, और इन्होंने उतारी बजाज फिनसर। ये 2008 में डीमर्ज हुई थी, और आज इस कंपनी का मार्केट कैप है 7,00,000 करोड़, SBI से भी 1,50,000 करोड़ ज्यादा। तो ये अपने आप में अब तक का सबसे सफल डाइवर्सिफिकेशन माना जा सकता है रीसेंट टाइम का। पिछले साल इन दोनों ने मिला के 11,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट नेट कमाया। बजाज फाइनेंस से पहले इंडिया का सबसे सक्सेसफुल डाइवर्सिफिकेशन हुआ था 1980s में। एक कंपनी थी वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, उसका शॉर्ट फॉर्म है विप्रो। ये कंपनी पाम ऑयल को रिफाइन करती थी, और FMCG कंपनी थी, साबुन वगैरह बनाते थे। लेकिन जब उस समय गवर्नमेंट ने IBM को कहा कि भैया इंडिया छोड़ के जाओ, तो उस समय IT की एक अपॉर्चुनिटी खुली और ये IT सर्विस में आ गए, और आज विप्रो नाम से इस कंपनी को आप जानते हैं कि ऑयल बनाते बनाते सॉफ्टवेयर बनाने लग गए और TCS इन्फोसिस के बगल में आके खड़े हो गए। भैया बात हमने कर ली सक्सेस की, अब कुछ फेल्ड डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, कि कुछ लोगों ने कहा हम डाइवर्सिफाई करेंगे और उस चक्कर में निमट गए भाई साहब, तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है हमारे छोटे अंबानी का। अनिल अंबानी का भैया रिलायंस कम्युनिकेशन बढ़िया चल रहा था, पावर में भी शायद कुछ अच्छा कर लेते, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन किया, हम शिप बिल्ड करेंगे, फिर उन्होंने कहा एंटरटेनमेंट बिजनेस में जाएंगे, फिर इसके बाद ये डिफेंस में गए, सीमेंट में गए, फाइनेंशियल सर्विस में गए, ऐसे ऐसे सेक्टर में गए जिसमें कोई लेनी देनी नहीं। इनको ऐसा लगा मैं कर रहा हूं तो सफल ही होगा, और क्या चाहिए, बस उसी चक्कर में निमट गए छोटे अंबानी। एक और ग्रुप का आपने नाम सुना होगा वाडिया ग्रुप, इनकी कंपनी है ब्रिटानिया, बिस्कुट और सूप बैठ के मजे आ रहे थे, लेकिन उनका नहीं एयरलाइन भी चलाएंगे, बनाओ गो फर्स्ट, निमट गई ना भाई साहब। वेणुगोपाल धूत, वीडियोकॉन नाम से मस्त प्रोडक्ट था, मस्त कंपनी थी, लेकिन नहीं भाई साहब, ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे, टेलीकॉम में घुसेंगे, घुस जाओ भाई साहब, निकल गए। SR ग्रुप के रुईया थे, बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन स्टील में और ऑयल बिजनेस में घुस गए तो निमट गए भाई साहब। अब कुछ लोग थे जिन्होंने डाइवर्सिफिकेशन का प्रयास किया, फेल हुए, लेकिन जाते जाते बच गए। इसमें हमारे मोटा भाई के समधी का नाम सबसे पहले आता है, अजय पीरामल जी। इन्होंने क्या वोडाफोन में स्टेक ले लिया था, और स्टेक ले लिया 5,800 करोड़ रुपए में 2012 में, और अगर इस कंपनी में आज तक होता तो निमट चुके होते, लेकिन 2014 में उसी स्टेक को इन्होंने एग्जिट कर दिया 8,900 करोड़ में। 2 साल में 3100 का प्रॉफिट कमा के बाहर, रुक जाते तो निमट जाते।
रेमंड्स भी कंज्यूमर बिजनेस में एंटर किया, पार्क एवेन्यू नाम से परफ्यूम भी लॉन्च किया, कामासूत्र नाम से प्रोडक्ट लॉन्च किए, पर फाइनली वो चीज चली नहीं, तो फिर इन्होंने गोदरेज को अपना बिजनेस बेच के इस बिजनेस से एग्जिट ले ली। अब फेलियर की बात चल रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भैया ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों फेल होते हैं, कारण सुनिए। कारण नंबर एक, अनरिलेटेड फॉरेन। भाई साहब तुम काम कर रहे थे एक्स का, एक्स करते करते तुम्हारी लगी कि मैं तो वाई कर लूंगा, तो भाई तुम मत करने जाओ ना। तो कुमार मंगलम बिरला जी ने कहा देखो वॉल पट्टी बनाते बनाते पेंट बना रहे हैं, वही एक्सपेंशन है, वही बना लेंगे वही बेच देंगे, तो वो बिजनेस काम करेगा। तुमने एकदम अनरिलेटेड में कूद गए, फिर नहीं चलेगा। कहां वीडियो कौन टी इलेक्ट्रॉनिक बना रहा है, कहां ऑयल एक्सप्लोरेशन में जा रहा है, ऐसी चीजें नहीं चलती। अब राहुल जी कुछ बिजनेस सुपर सफल हो जाते हैं जैसे हमारे रिलायंस का, इनका कारण क्या रहता है? पहला कारण बड़ा सिंपल है, मार्केट स्टडी एंड राइट प्रोडक्ट। मोटा भाई को आप कहते हो राहुल ये तो अलग इंडस्ट्री में घुसे थे, ये भी तो जीते, वो अलग इंडस्ट्री में घुसने से पहले 4-5 साल मार्केट रिसर्च ही कर रहे हैं। जब तक नहीं समझ लेते कि इस मार्केट में गैप क्या है, क्या लाऊंगा और कैसा लाऊंगा और क्या यूनिक, वो स्टार्ट ही नहीं करते। कोई भी बिजनेस नहीं, जिस भी व्यक्ति के पास मैनेजमेंट बैंडविड्थ है, इतना लंबा चौड़ा स्टाफ है, इतनी बड़ी टीम है कि कोई नया डाइवर्सिफिकेशन किया, कोई नया प्रोजेक्ट किया, तो अपने 5 आदमी छोड़ के वहां पे मैनेज करवा सकते हैं। जहां कुछ व्यक्ति सोचते हैं मैं ही सब कुछ कर लूंगा, हर बिजनेस में ही संभालूंगा, जैसे सीसीडी की मैंने केस स्टडी की थी, वो कैफे कॉफी खोलते खोलते 10 बिजनेस में गए और सारों के हेड खुद ही थे, मैनेजमेंट टीम ही नहीं थी, तो भैया फिर आदमी फंस जाता है। मोटा भाई हर जगह नई टीम डालते हैं और उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को लेके आते हैं। सिनर्जी विद एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, नए बिजनेस में ऐसे कूदो कि पुराना बिजनेस को सहारा दे। अगर रिलायंस रिटेल लॉन्च किया था तो उसको सहारा देने जियो आया था और जियो का सहारा रिटेल था, ये दोनों एक दूसरे का सहारा है और जियो फाइनेंशियल को ये सहारा देंगे, तो एग्जिस्टिंग मिलते जुलते सिनर्जी वाला काम करोगे तो सफल होगे, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो सफलता टफ हो जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस सपोर्ट फ्रॉम द ग्रुप। मतलब जैसे आज की डेट में टाटा जी नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पर फेल हो गए तो उनको टेंशन नहीं है, टीसीएस बैठा 40,000 करोड़ रुपए साल के दे रहा है, 10,000 करोड़ रुपए इधर उधर चले भी गए तो फिर कमा लेंगे एक क्वार्टर में, तो एग्जिस्टिंग ग्रुप में इतना सपोर्ट है कि भैया एक्सपेरिमेंट फेल भी हो गए तो हम बैठे हैं, पर तुम्हारे एग्जिस्टिंग ग्रुप तो 2,000 करोड़ देता है और तुम 5,000 करोड़ की लायबिलिटी लेके बैठ गए, क्या होगा तुम्हारा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सबसे लास्ट में कि आखिर डाइवर्सिफिकेशन करना क्यों पड़ता है, बहुत सारे कारण है। सबसे पहला, बाजार में आपको नई अपॉर्चुनिटी दिखी जो किसी को नहीं दिख रही, जैसे लग रहा है कि आने वाले 10-15 साल किसके हैं, नई एनर्जी के, सोलर के, एनवायरमेंट को लेकर बहुत प्रेशर है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में धूम मचेगी, ईवी में धूम मचेगी, डिफेंस में अच्छा काम होगा। अब जब सामने अपॉर्चुनिटी दिख रही है और जेब में पैसा है क्यों ना लगाएं। दूसरा, डीरिस्किंग द पोर्टफोलियो। मैं कहता हूं आप एक पर्टिकुलर चीज के शहंशाह हो लेकिन वो चीज आगे पीछे लग रहा है कि यार 10-20 साल बाद इसकी रिलेवेंस हो गई, तो जैसे मिडिल ईस्ट में लोगों ने कहा हम तो तेल के शहंशाह हम कुछ करेंगे ही नहीं, तेल खत्म हो गया फिर क्या होगा, तो उन्होंने कहा जब तक तेल है भैया 4 चीजों में और इन्वेस्ट कर लो, कल को तेल चला गया बाकी से तो कमा लेंगे। तीसरा, स्टेइंग एड ऑफ द कॉम्पिटिशन। जहां 2 कॉम्पिटिशन नेक टू नेक चल रहे हैं, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो आपको एडिशनल एडवांटेज मिलता है कि कल को इस इंडस्ट्री में अपन पे भारी पड़ गया तो अपने पास दूसरी जगह भी तो है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंगेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन। मोटा भाई कहते हैं एक काम करो आकाश नंद आके पेट्रोकेमिकल संभालो जामनगर पे, पापा ये वाला नहीं करना हमको, तो नई जनरेशन के लिए नए बिजनेस की भैया ये न्यू जनरेशन के बिजनेस है, ये मेरी अगली पीढ़ी को समझ में आएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया में जब 2-3-4 बच्चे होते हैं और बड़ी फैमिली में लड़ाइयां होती है तो डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस में बंटवारा आसान हो जाता है। तो ये वीडियो आपके उस आम इंसान के सवाल का आंसर था कि मोटा भाई 10 बिजनेस में क्यों इधर उधर घूम रहे हैं, क्यों कुछ डाइवर्सिफिकेशन सफल होते हैं क्यों कुछ सफल नहीं होते, और लोगों ने क्या क्या करके अपने को डाइवर्सिफाई किया है और आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो अगर आप किसी बिजनेस में टॉप लीडर बनने का प्रयास भी कर रहे हैं और आपको लग रहा है यहां सफलता नहीं है तो और भी बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हैं, और अगर आप प्रयास करके सफल भी हो चुके हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो अंत है। भैया आपने एक बहुत बढ़िया दुकान सेटल कर दी लेकिन अगर आपके 3 बच्चे हैं कल को लड़ाइयां होगी, वो दुकान की 3 दुकान तो करो कम से कम, नहीं तो उस दुकान के 3 अलग अलग बिजनेस तो करो कि आप बंटवारा ढंग से कर सको, और पुराने जनरेशन का बिजनेस जो आपने खड़ा किया नए जनरेशन में हो सकता है उनको नहीं चाहिएगा, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ताकि अंबानी के बारे में जो किस्से है ना ये अखबार में छपे कि नंबर 1 इंडिया का रिचेस्ट आदमी बन गया, ये ग्रोथ कर रहा है, ना कि 2 भाई लड़ पड़े। तो अगली वीडियो के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।